दोस्तों मिर्जापुर फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि मिर्जापुर के अंदर फिर से भौकाल आने वाला है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर आप लोगों ने देखा हो कि YouTube के ऊपर सुबह सुबह एक ऐसा चीज ड्रॉप हुआ जो पूरे मिर्जापुर के कम्युनिटी को हिला के रख दिया, और वो क्या था, वो ये था कि मिर्जापुर की एक नई मूवी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, अगर आप लोग जाके YouTube के ऊपर सर्च करोगे कि मिर्जापुर फिल्म अनाउंसमेंट, तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और वहां पे हम लोगों को ये बोला गया कि मिर्जापुर की एक नई मूवी अभी डेवलपमेंट में है जो रिलीज होगा 2026 में। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सब क्वेश्चन कर रहे होंगे कि मिर्जापुर तो एक सीरीज है, तो इसको मूवी में हम लोग कैसे देखेंगे, हम लोग इसको कैसे एक्सपेक्ट करेंगे, कौन कौन से कैरेक्टर्स आएंगे। उसका भी आंसर इस अनाउंसमेंट ट्रेलर में है। हम लोगों को दिखाया गया कि फैंस के फेवरेट कालीन भैया यहाँ पे आ रहे हैं, गुड्डू भैया भी आ रहे हैं, और दोस्तों और एक महाशय भी आ रहे हैं जिसके लिए आप सभी लोग वेट कर रहे हो। दोस्तों मिर्जापुर के अंदर अगर सबसे ज्यादा पॉपुलर कैरेक्टर की बात करें तो हम लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है, और वो कौन है, मुन्ना भैया। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, मुन्ना भैया भी रिटर्न कर रहे हैं मिर्जापुर की मूवी में, और उनके साथ आ रहे हैं कंपाउंडर भी, मतलब अभिषेक बैनर्जी भी अपने रोल को यहाँ पर रिप्राइज करेंगे। हाँ दोस्तों, ये तो बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस भी हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि सीजन 2 के अंदर मुन्ना भैया मर चुके हैं और सीजन 1 के अंदर कंपाउंडर भी मर चुका है। तो यहाँ पे होगा क्या, स्टोरी में हम लोगों को क्या दिखाएंगे, क्या एक नई स्टोरी दिखाएंगे, या हम लोगों को वही सीरीज का मर्ज करके एक फैन सर्विस मूवी दिखाएंगे, वो तो हम लोगों को पता चलेगा 2026 में। लेकिन दोस्तों ये जो नया न्यूज है ये बहुत ही बवाल न्यूज है, और दोस्तों हम लोगों को और भी बहुत सारे कास्टिंग अपडेट्स देखने को मिलेंगे फ्यूचर में, और दोस्तों इसका जो शूटिंग है वो भी चालू हो जाएगा 2025 से। और दोस्तों यहाँ पे एक डायलॉग भी कालीन भैया ने और गुड्डू भैया ने बोला है कि अगर आप लोगों को मिर्जापुर को एंजॉय करना है तो आप लोगों को गद्दी से उठना पड़ेगा, और गद्दी से उठने के बाद आप लोगों को बड़े पर्दे के सामने जाना पड़ेगा, तब आप इसका भौकाल जो है वो फील कर सकोगे। हाँ दोस्तों, मिर्जापुर का भौकाल वापस आने वाला है, और मैं तो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुन्ना भैया, वो कैरेक्टर कुछ है यार। सीजन 2 सीजन 1 में जब भी एंटरटेनमेंट की जरूरत हो तो मुन्ना भैया हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं, जो हम लोगों को दिखने में बड़ा मजा आता है। तो इसीलिए मैं इस मूवी के लिए एक्साइटेड हूँ। अगर ये फिर से वही फैन सर्विस वाला मूवी ला तो देखते हैं क्या होता है, 2026 में दिखा जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग भी इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों ये था आज का वीडियो, आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप लोगों को थोड़े अच्छे लगे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो मुन्ना भैया तुम्हारे घर पे आके तुमको मार के जाएंगे, तो सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।